नमस्कार, मैं कल्पना भार्गव, वेलकम टू कला क्रिएशंस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जेड की टोप्यारी को रिपॉट करना क्यों ज़रूरी होता है, कि अगर हम इसको समय पर रिपॉट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमारी टोप्यारी को। तो आइए पूरी जानकारी के साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप ज़रूर इसे लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये अपनी जेड की टोप्यारी, इसको मैंने स्पॉट में से देखिए निकाल लिया है। अब जो ये आप इसमें रूट्स देख रहे हैं, जो जाल जैसा रूट्स का बन गया है, ये इस प्लांट को, अपनी इस टोप्यारी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए ये जो अपनी जड़ें हैं ये काफ़ी डैमेज हो चुकी हैं, ये एक समान डेड हो चुकी हैं। तो अगर हम इसको नहीं निकालते और हम इसी को सालों साल इसके साथ अपने प्लांट को चलने देते हैं तो अपना प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमें इस तरह की ये जो छोटी छोटी रूट्स होती हैं इनको निकाल देने से ही हमारा ये प्लांट आगे तक चलता है। क्योंकि इसमें जब हम अपने प्लांट को रखा रहने देते हैं तो इसमें ना तो खाद, मिट्टी, कोई भी न्यूट्रिएंट्स इसमें प्लांट्स को नहीं मिल पाते, इसलिए हम इसको ज़रूर हटाते हैं। अब इसको हटाने के लिए हमें सबसे पहले तो ये जो हमने ठीकरियाँ लगा रखी हैं इनको हटा के, इससे अपनी थोड़ी मिट्टी लूज़ हो जाती है। अब आप इसको अच्छी तरह से इस पूरे जाल को निकाल लीजिए ताकि इसमें हवा लग सके, और जो भी हम इसमें मिट्टी नई बनाएंगे वो डालेंगे तो ये अच्छे से इसमें न्यूट्रिएंट्स लेगी अपने को या प्लांट को, तो इसमें अच्छे से इस प्लांट की ग्रोथ होगी। अब हम ये जो अपना पॉट है, देखिए पॉट हम कभी भी बड़ा छोटा नहीं करते, हम कोई भी बड़े प्लांट को इस छोटे पॉट में लगा सकते हैं। तो इसमें जो छेद हैं, इसमें दो छेदों में पुराने ईंट की ठीकरी रख के और थोड़े से पुराने ईंट के अपने जो या गमले के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, वो लगा लेते हैं। और सॉइल मिक्सचर जो हम बना रहे हैं, देखिए मिट्टी है अपनी गार्डन की और बजरी, रिवर सैंड, और कोई भी हम खाद ले लेंगे। जैसे मैं तो गाय के गोबर की खाद देती हूँ और थोड़ा सा हम इसमें फंगीसाइड ज़रूर मिलाएंगे। और हम जैसे ट्राइकोडर्मा आप ले सकते, आप पे साफ है तो साफ ले सकते हैं, और इसको हम इस तरह रख के एक बार देख लेंगे। और इसको हम रिपोर्ट करते हैं तो आप ये देखिएगा कि ये प्लांट अपना ऊंचा हो जाता है, और जो आपको ये इसकी निवारी दिख रही है, जो इसमें एक स्टेम दिख रही है, ये इसकी एक ब्यूटी होती है। इसको हम तभी निकाल सकते हैं जब हम इसको हर बार रिपोर्ट करते हैं। तो दो साल में इस प्लांट को रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर इसमें खाद पानी कुछ भी नहीं बचता, तो इसलिए हम इसे रिपोर्ट करते हैं। अब जब हम इसमें मिट्टी डालते हैं तो अच्छे से दबा दबा के हमें इसको दबाना चाहिए ताकि कोई भी इसमें एयर ना रह जाए। इसलिए कोई भी ऐसा जिससे हम अच्छे से जोर लगा के इसको दबा सकें, इस तरह हम इसको टाइट बिल्कुल कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ब्यूटी आ गई है, जो निवारी है इसकी इतनी सुंदर लग रही है इस प्लांट की। अब जो भी आपको एक्स्ट्रा इसमें पत्तियां दिख रही हैं वो भी आप काट सकते हैं, और ध्यान रखिए जो नीचे की तरफ है कोशिश करिए इसमें पत्ती ना रहे, क्योंकि जब ये बिल्कुल फ्लैट हो जाती है नीचे की सरफेस, जो हमारी टोप्यारी की जो नीचे की जगह है वो बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, तभी इस टोप्यारी की एक मतलब जो भी हमने फिगर बनाया, जैसे मैंने दो बर्ड्स बनाई है, तो इसकी इमेज एक अच्छे से साफ़ सुथरी निकल के आती है। बारिश का मौसम सबसे अच्छा है अपने प्लांट्स को रिपॉट करने का, क्योंकि इस मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। इसलिए इस समय आप कोई भी प्लांट्स अपने रिपॉट कर सकते हैं, इस तरह की टोप्यारीज को आप रिपॉट कर सकते हैं, इससे कोई भी पौधे को नुकसान नहीं होता है। इसलिए आप कोशिश करिए इस समय आप सारे अपने जो प्लांट्स रिपॉट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब मेरा ये दूसरी टोप्यारी है, इसको भी हम इसी तरह रिपॉट करेंगे अच्छे से। हम इसको पहले, ये मेरे सारे जो टोप्यारी आप देख रहे हैं सब 10 साल पुरानी टोप्यारी हैं, और मैं इसको एक दो बार पहले रिपॉट कर चुकी हूँ, लेकिन अभी कुछ टाइम ज़्यादा हो गया तो आप देख रहे हैं कि इसलिए इसमें इतना जाला जैसा बन गया है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट को डैमेज भी कर सकता था। इसलिए मैंने इसका सोचा कि चलिए इसका वीडियो बनाते हैं। अब इसको भी हम बिल्कुल जाले को इसका साफ़ कर लेंगे, और वापस जैसे हमने पहले लगाया था वही सॉइल मिक्सचर इसको रेडी करके हम इसमें इसको मिला लेंगे मिट्टी को, और अच्छे से दबाते हुए बिल्कुल टाइट लगाएंगे। आप देखिएगा कि जब भी हम कोई ये जो है अपना, जैसे अभी हम जेड की टोप्यारी पे कर रहे हैं, ये आप कोई भी जो भी आपके शैलो पॉट में जो भी आपके प्लांट लगे हुए हैं, जैसे बोनसाई होता है, उसको सबको हम इसी तरह से रिपॉट कर सकते हैं, और हर दो साल में हमें इसको रिपॉट करना ज़रूरी होता है।
अब इसमें पानी डालने का ये तरीका है, हम इसमें ऊपर से पानी भी डाल सकते हैं लेकिन नीचे तक नहीं जाता, इसीलिए हम इसको पहली कोशिश करते हैं कि हम इसको चौड़े टब में, जो भी आपकी ट्रे है जिसमें आपका प्लांट है वो अच्छे से टब में आ जाए, हम इसको नीचे से पानी देंगे ताकि नीचे से इसकी रूट्स अच्छे से, जो भी हमने इसको खोला है, रूट्स हटाई हैं, नीचे से पानी जाता है तो वो जो ऊपर पानी जाता है नीचे से वो अच्छे से अपनी इस ट्रे को पानी लगता है। और आप ये देखिए इसमें अच्छे से ये मिट्टी हमारी गीली हो जाती है, इसका मतलब है अच्छे से पानी इसमें लग गया है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कला क्रिएशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।